तो इस घर को मैंने ऐसे पूरा डेकोरेट कर दिया। सो मेरा ब्लॉग पहले अगर कोई देखेगा लास्ट रॉस एलन का वीडियो के बाद आज 11 दिन हो रहा है मैं कुछ वीडियो नहीं डाला, कुछ ब्लॉग नहीं डाला, कुछ भी यूट्यूब में अपडेट नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली दिवाली के लिए मैं वेट कर रहा था। सो आज है दिवाली का एक दिन पहले भूत चतुर्दशी। सो ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट बेसिकली हम लोग आज घर में वेज खाना, फिर हम लोगों का जो छोटा सा मंदिर की तरह जहाँ पे हम लोग भगवान को पूजा करते हैं करते उसको सजाया पूरा, थोड़ा सा जैसे सोना सिल्वर ये सब कुछ खरीदना होता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खरीदा हम लोग। सो ये का सब कुछ लेके हम लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पोंग बाई से। पिछला वीडियो का बहुत अच्छा रिव्यू मेरे को मिला, व्यूअर्स भी बहुत अच्छा गेन हुआ, उसके साथ साथ सब्सक्राइबर भी गेन हुआ। तो इसलिए बहुत थैंक यू, मतलब थैंकफुल हूँ आप लोगों के पास कि इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए, इतना अच्छा प्यार देने। मैं अपना इस घर को, मतलब दूसरा जिसमें अब मेरा भगवान वगैरह में रखा है जिस घर में, उस घर को मैंने सजाया इतना सुंदर करके, मैंने उसको लाइटिंग वगैरह देके डेकोरेट किया। आप लोगों को भी दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है। सो इस घर को मैंने ऐसे पूरा डेकोरेट कर दिया। सो मेरा ब्लॉग पहले अगर कोई देखेगा उनको पता रहेगा कि ये लाइट को मैंने कैसे बिठाया था, अभी मैंने कैसे कर दिया, पूरा एक चद्दर की तरह मैंने बिठा दिया। पर ये वाला जो येलो कलर का जो लाइट दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये लाइट मैंने कल खरीद के लाया इसको अलग एक ब्यूटीफुल एक मतलब नज़ारा देने के लिए। भगवान का छोटा सा मंदिर में लाइट देके सजा दिया और पूरा ऐसा सा चमक रहा है पूरा, तो ये देख के पूरा अच्छा लगता है। और घर को भी ऐसे ही चमकना पड़ता है। बेसिकली आज का डेट में हम लोगों को करना जो होता है वो है कि आज का डेट में हम लोगों को 14 टाइप का वेजिटेबल कुछ मतलब सब्जी वगैरह खाना होता है, उसके साथ 14 प्रदीप जलाना पड़ता है। नहीं, साग खाना पड़ता है, साग सब्जी ये सब कुछ खाना होता है हम लोगों को। सो यहाँ पे तो उतना कुछ सब्जी वगैरह नहीं मिलेगा यहाँ पे, सो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, नॉर्मल वेज खा रहे हैं। और पूजा है करके थोड़ा सा हम लोगों ने प्रसाद के लिए खिचड़ी बनाया जो पीयू का बहुत ही फेवरेट है। सो खिचड़ी बनाया और बाहर बारिश हो रहा है, बारिश ने तो पूरा टांग दे दी। आज मैंने सोचा था कि आराम से काम खत्म करके घर आके दिवाली का एक दिन पहले जो सेलिब्रेशन होता है दिया जलाना, फिर थोड़ा बहुत लाइटें वगैरह सजाना ये सब कुछ करेंगे, लेकिन एक्चुअली साइक्लोन अलर्ट की वजह से सब क्रूज कैंसिल हो गया। तो भाई एकदम दिमाग पूरा एकदम गर्म कर दिया पूरा। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि सब गेस्ट यहाँ पे फंस जाता है। अभी आप लोग अगर घूमने के लिए आ रहे हो, कहीं पे फंस जा रहे हो, तो जिसको आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसका हालत कैसा होगा आप अगर फंस जाओगे, तो अभी वैसा हालत मेरा भी हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है मेरे को पता है, लेकिन हमेशा बाहर जो निकलेगा वो मुस्कुराहट के साथ ही निकलेगा वो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन है। प्रोफेशन में एकदम मैं भाई क्लीन एंड क्लियर एक नंबर हूँ, उसमें मैं डाउन नहीं जाने वाला। अभी जो भी है जैसा भी है मेरे को काम खत्म करके घर आना, थोड़ा बहुत घर में भी टाइम देना, सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ करेंगे। तो जैसे कि मैं बोला खिचड़ी बनाया, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। सो नॉर्मल वेज एकदम बनाया और भगवान को भी एज अ प्रसाद के तौर पर मैं खिचड़ी चढ़ा दिया। और मेरे लिए नॉर्मली पापड़ मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि पीयू पापड़ तो नहीं खाता, पीयू अचार वगैरह दे के खा लेगा। मैं पापड़ विदाउट पापड़ मतलब खिचड़ी खाऊंगा तो उसके साथ मेरे को कुछ फ्राई लगेगा, विदाउट फ्राई मैं खिचड़ी खा नहीं सकता। तो अभी जस्ट मैं सभी काम खत्म करके आ गया, जो हेडेक था वो सब हेडेक दूर हो गया, साइक्लोन वगैरह क्लीन हो गया, मतलब कल तो क्रूज चलेगा। सो हेडेक ऑलमोस्ट मतलब 80% क्लीन हो गया। सो आराम से घर में आके अभी दिया वगैरह जलाएंगे। सो पीयू भी रेडी, मैं भी अपना कॉस्ट्यूम में पूरा रेडी हो गया, अभी चलते दिया जलाते।
जलाना है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक्चुअली क्यों क्या किया था, जितना भी मतलब वो प्रदीप जलाने के लिए जो अंदर जो ये दिया जाता है वो मतलब कपड़े का जो पोलते बस सोलते जिसको बोलते हैं बंगाली में, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, तो वो जो दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिंगल सिंगल दिया, उसमें सिंगल देने से क्या होगा कि आग ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, उसमें फिर से उसको डबल किया, अभी जाके पूरा एकदम अच्छे से पूरा आग पकड़ा, पूरा पूरा अच्छे से आग पकड़ लिया। अभी यहाँ पे रेस्ट ऑफ जितना भी पीछे से पीऊ यहाँ पे सब कुछ ठीक कर रहा है अभी यहाँ पे। मैं उसको पहले ही बोला कि मैं देखो घर का प्रदीप भी ऐसे डबल डबल करके देता हूँ, सो ये भी डबल करके देगा तो क्या होगा, एटलीस्ट वो आग पकड़ के रखेगा, नहीं तो छोड़ देगा आग। सब एक एक करके लेके जाएंगे, एक साथ तो लेके नहीं जा सकता, हाँ एक प्लेट में लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे लेके जाना ही बेस्ट रहेगा। अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ा है करके ब्लर होके रखा है, नहीं तो मैं ब्लर एडजस्ट कर लेता। ठीक है, और दो प्रदीप यहाँ पे एक डाल रहे हैं और ये साइड में एक डाल रहे हैं, तो हम लोग 14 जो प्रदीप और दिया जो जलाया जाना हम लोगों का रिवाज है वो हम लोगों का कंप्लीट हुआ अभी ये दो डालने से। और सभी दिख में हम लोग एंट्रेंस पे भी डाल दिया, पीछे भी डाल दिया, और ये गेट पे भी मतलब ये विंडो में भी डाल दिया हम लोगों ने। सो हम लोगों का 14 प्रदीप का जो कल्चर है, हम लोगों का रिवाज है, वो सब कुछ हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया। तो इसीलिए बेसिकली बोलते हैं दिवाली को कलर ऑफ मतलब लाइट का फेस्टिवल, इतना लाइट इतना चमकता है ना, मतलब ये फेस्टिवल के टाइम यही सबसे खास बात है ये फेस्टिवल का, और इतना पटाखा वगैरह मतलब अलग ही। सो बैक टू नॉर्मल ड्रेस, बेसिकली आज कहीं पे हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि कल हम लोग डिसाइड किया है बाहर से कुछ खाना पिज़्ज़ा वगैरह हम लोग खाएंगे करके, सो आज कहीं पे नहीं जा रहे, आज घर का नॉर्मल अभी के लिए मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, और रात को मैं जैसे कि प्लान किया था रोटी और सब्जी ये सब कुछ बना के खा लूँगा वैसा ही हो रहा है। सो अभी मेरा यहाँ पे कॉफ़ी बन रहा है, पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया, नया एक कॉफ़ी में लेके आया नेस्ले सनराइज़ का, नेस्ले बोल रहा हूँ नेस्कैफे का सनराइज़ करके एक नया वाला कॉफ़ी आया है मार्केट में, वो वाला मैं लेके आया, ये बोलता है तो बहुत ही अच्छा है, मैं एक बार टेस्ट करके देखना चाहूँगा। मेरे को मना है कॉफ़ी टी ये सब कुछ पीने में मेरे को मना है, लेकिन थोड़ा सा तो टेस्ट कर सकते एक दिन के लिए ओके है, लेकिन डेली के लिए। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इसके बाद मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा क्योंकि कल दिवाली है, दिवाली का भी व्लॉग बनाना है, इसको एडिट करना और काम का प्रेशर भी थोड़ा अभी ज़्यादा चल रहा है, सो इसलिए व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग मैंने बनाया, मेरे को लगता है कि आप लोगों को शायद से ये वाला व्लॉग में मेरे को उतना प्यार नहीं मिलने वाला, फिर भी होप फॉर द बेस्ट। आप लोग लाइक करो, शेयर करो एंड सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो एंड शेयर करते रहो।